ये एक रशियन पेंटर की बहुत मशहूर पेंटिंग है और हमारे म्यूजियम की सबसे कीमती भी। पर ये किसकी पेंटिंग है? कुछ समझ नहीं आ रहा। ये इमरजेंसी अलार्म क्यों बजने लगा? साइरन ठीक 12:50 को बची थी। अगर हम उसके एक दो मिनट पहले की कैमरा रिकॉर्डिंग देखें, तो पता चल जाएगा। क्या हम आपकी सिक्योरिटी रिकॉर्डिंग एक बार फिर से देख सकते हैं? साड़ी के साथ स्पोर्ट्स शूज पहने हैं। शायद इसलिए कि भागने में आसानी रहे। हाँ, क्या हुआ चुटकी? वो वहाँ लाइन में खड़े उस आदमी ने ठीक वैसे ही जूते पहने हैं जैसे पेंटिंग चुराने वाली औरत ने अपनी साड़ी के नीचे पहने थे। देखो, इसके पास कोई झोला नहीं है। मतलब अगर वो औरत का भेष था तो साड़ी और बालों का विग कहीं छोड़ कर आया होगा। हाँ, शायद बाथरूम में। शक सही निकला। आप जा सकते हैं। इतनी जल्दी भी नहीं आंटी जी, पहले चोरी की हुई पेंटिंग तो वापस कर दो। जैसे किसी की सोच अनुसार ये आकार जेल का कमरा भी हो सकता है। कब से इंतजार कर रहे हैं? ये रोरू, रोरू आखिर है कहाँ? मुझे याद किया, तुम लोगों को सच में लगता है कि टोरू मेरे साथ दौड़ लगाकर जीत जाएगा? टोरू दौड़ जीत कर ही तुम्हारे सवाल का जवाब देगा। ये दौड़ का नक्शा है। शुरुआत यहाँ से होगी, इस रास्ते से होते हुए आखिर तक पहुँचना। हम सब तुम्हें वहीं मिलेंगे, हम में से एक तुम्हारे पीछे। अरे हाँ हाँ, समझ गया, अब शुरू भी करो। मैं तो यूँ आखिर तक पहुँच जाऊँगा, जीत तो मेरी होगी। शुरू करो। ठीक है, एक दो तीन। क्या, क्या कर रहे हो? देखा नहीं, दौड़ शुरू हो गई है। हाँ हाँ, देख लिया, और तुम सब भी देख लेना। टोरू के पीछे जाकर भी मैं पहले पहुँच कर दौड़ जीतूंगा। ये रोरू क्या कर रहा है? मैं उस पर नजर रखता हूँ। कालिया, तुम सबके साथ रहो। हाँ। जग्गू, तुम दूसरे रास्ते से देखो क्या हो रहा है। देखता हूँ टोरू इसे कैसे पार करता है। बच गए। शुक्रिया जग्गू। तुम्हें सांप से डर लगता है ना टोरू? अब देखो मैं क्या करता हूँ। मैं तो भूल ही गया था कि सांप से तो मैं भी डरता हूँ।
जल्दी ही दौड़ खत्म कर देगा। मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। लगता है मुझे अपना गुप्त हथियार इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अरे सुनो, भीम और कालिया उस कोने में बैठ कर लड्डू खा रहे हैं। जल्दी हारते नहीं टोरू, और जब तक भीम तुम्हारे साथ है लड्डू की कमी कभी नहीं होगी। टोरू के लिए मुश्किलें खड़ी करने में मैं बहुत थक गया हूँ, और ये इतनी जल्दी वापस भी आ गया कैसे? करो चुटकी, कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। भीम, ढोलकपुर का जाबाज, लेकिन हमें नहीं पकड़ पाएगा। फातून टापू की जादुई जलपुरी का वरदान है, हमें सिर्फ तस्वीरों में ही पकड़ा जा सकता है। इस जहाज पे आना तुम बच्चों की सबसे बड़ी गलती थी। चलो साथियों, आज पूरा ढोलकपुर लूट लेंगे। चुटकी, क्या तुम्हें इन तस्वीरों में कुछ अलग नजर आ रहा है? अलग अलग तस्वीरें अलग अलग कमरों की है। बिल्कुल ठीक, अगर हमें इन समुद्री लुटेरों को पकड़ना है तो हमें भी इन तस्वीरों के अंदर जाना होगा। ठीक है, पर ये रस्सी कैसे खोलें? मेरे पास इन लुटेरों को पकड़ने का एक तरीका है। सारे बच्चे कहाँ चले गए? आखिर कहाँ गायब हो गए? और सारी तस्वीरों में से खजाना भी गायब है। वो रहे बच्चे, वो रहा सारा खजाना मेरी तस्वीर में। पकड़ो इन्हें, सबक सिखाओ, सबक सिखाओ इन्हें। मुझे सबक सिखाओगे? पहले पतलून का नाड़ा तो ठीक से बांधना सीखो। उससे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। हमसे जो टकराएगा वो उस्ताद से मार खाएगा। तू ऐसे नहीं मानेगा भीम। अब देख मैं तेरा क्या हल करता हूँ। देख, हमें फातून टापू ले जा रहे थे, अब ढोलकपुर की काल कोठरी में अपनी बची कुची जिंदगी काटना। एक बार फिर तुमने ढोलकपुर को बहुत बड़ी मुसीबत से निकाला है भीम। Thank you.
भीम तुम्हारे पंजे से भी नहीं डरता, दहाड़ने से डरेगा क्या? अब मुकाबले में मजा आएगा। सुनो वनराज, चुपचाप जंगल में भाग जाओ। वाह बहादुर बच्चे, हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद। बाबा, आप जैसे साधु जन से हम आशीर्वाद की ही आशा रखते हैं। धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं, आपकी सेवा करना तो हमारी जिम्मेदारी है। बहुत अच्छे ख्याल है तुम्हारे। खुश रहो बच्चे, अब हमें चलना चाहिए। बाबा, हम आपके साथ जंगल की सीमा तक चलते हैं आपकी रक्षा करने के लिए। चलो। भूख लगी है, अब कौन चलेगा इनके साथ? भीम, मैं यहीं रुककर नजर रखता हूँ ताकि ढोलकपुर को शेर से कोई खतरा न हो। नजर रखने के साथ साथ खाना पीना और सोना भी हो जाएगा। खतरा हमेशा शेर के रूप में ही नहीं आता, कड़ी नजर रखना अपने आप पर भी। ढोलू बोलो, डरपोक कहीं के। राजू, डरपोक ढोलू बोलू है, मैं नहीं। सब देखना, आज रात के बाद सब कालिया को ढोलकपुर का हीरो कहेंगे, हीरो। उस्ताद ने ऐसा पंगा क्यों लिया? बेचारे उस्ताद। सूखा बूढ़ा पेड़ कालिया को नहीं डरा सकता। बस आज रात यहाँ सो जाऊं तो सब मान जाएंगे मैं ही असली हीरो हूँ। बस पेड़ ही तो है। एक पैसा दे दे रे बाबा, कुछ खाने को दे दे रे बाबा। दो दिन हो गए कुछ खाया नहीं, कुछ खाने को दे दे बाबा, कुछ दे दे बाबा। ये लो। ये क्या? जो सबसे पहले 3 गोल करेगा वो जीतेगा। क्यों बोलू, बैठ के खेलने का इरादा है? Thank you.
कभी टेढ़ा कभी मेढ़ा। अबे टेढ़े मेढ़े चुपचाप रखवाली नहीं कर सकता क्या? ठीक है उस्ताद। हे कम से कम इस बार ढंग से मारना। सर से मारूंगा। इसने तो खुद के गोल में गेंद डाल दी। ओ बेवकूफ, उसका एक और अंक बढ़ा दिया। इस बार तो गोल करके ही छोड़ूंगा। वाह कालिया वाह। ऐसा कैसे हो सकता है भीम कि किसी को जरूरत है और हम मदद ना करें? मदद ना करना ऐसा तो मैंने नहीं कहा, बस थोड़ी सावधानी बरत के मदद करनी चाहिए। मगर सावधानी क्यों? मदद करने के लिए क्या सोचना है? एक की मदद करते समय दूसरे को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, ये सावधानी भी तो बरतनी पड़ती है ना। ओ अरे राजू, अगर कालिया लड्डू खा रहा है और ढोलू बोलू को लड्डू नहीं मिल रहे हैं, तो उनको लड्डू देकर मदद करना अच्छी बात है। पर अब कालिया के पास लड्डू नहीं है ना, उसके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना। सोचो सोचो चपन चपन। तो यहाँ होता है ढोलकपुर का सारा सोना। दुनिया की कोई सुरक्षा फौज मेरे रास्ते में नहीं आ सकती। भीम, वो चुम्बा चोर पूरे खजाने को उड़ा ले गया और हमारे सैनिक कुछ नहीं कर पाए। अब क्या होगा भीम, राज्य कैसे चलेगा? आप फिक्र मत कीजिए महाराज, मैं उस चुम्बा चोर को पकड़ के आपके सामने लाऊंगा और शाही तहखाना भी सही सलामत अपनी जगह वापस आ जाएगा। अरे बच्चों, आ जाओ आ जाओ। लेकिन इस वक्त हमें आपकी मदद चाहिए चुम्बा चोर को पकड़ने के लिए। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ चुम्बा चोर को। वो अपने चुंबकीय यंत्र से हर लोहे से बनी चीज को काबू कर लेता है। हाँ। इस बार उसने अपने यंत्र की मदद से शाही खजाने को चुराया है। उसके इस चुंबकीय यंत्र से लड़ने का कोई ना कोई उपाय तो जरूर होगा। हाँ हाँ, है ना, क्यों नहीं, उल्टा चुंबकीय यंत्र। रुको, ये लो, ये लकड़ी की तलवार है, है? इसे चुम्बा चोर काबू नहीं कर सकता। ले जाओ इसे। वो देखो, वो रहा शाही खजाना। हमें जल्दी चलना होगा, कहीं ये हमारी नजरों से गायब ना हो जाए। सपने देखते रहो चुम्बा चोर। क्या लगता है तुम्हें बताया नहीं कि मुझसे जीत पाना नामुमकिन है? वरना बेवकूफों की तरह मेरा पीछा करते करते तुम इतनी दूर नहीं आते। तुम्हारी यही गलतफहमी तो मैं दूर करने आया हूँ चुम्बा चोर। अभी बताता हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत,
शाबाश भीम, हमें तुम पर नाज है। चाहे कितना भी बड़ा चोर क्यों ना हो, तुम्हारे आगे सब चोर छोटे पड़ जाते हैं। अरे ये कौन छोड़ गया? गुड मॉर्निंग। देखते हैं इसमें क्या। खोलो खोलो, पहले खोलो तो सही। अरे पर सुनो तो, पता नहीं कौन। चॉकलेट का डिब्बा इतना बड़ा कैसे हो गया? वो बड़ा नहीं, ये चॉकलेट खाकर हम छोटे हो गए हैं। भेजने वाले ने अपना नाम नहीं लिखा। दरवाजा खोलिए। कौन है? बच्चों ये क्या हो गया तुम सबको? प्रोफेसर धूमकेतु अपनी टाइम मशीन यहाँ मरम्मत के लिए छोड़ गए थे। इससे हम समय में वापस पीछे चले जाते हैं। देखो चॉकलेट का डिब्बा अभी वहाँ नहीं है। हम सब छुपकर इंतजार करेंगे, देखते हैं कौन आया था। आवाज नहीं, आवाज नहीं। भीम के घर में सबको सो जाने दो, फिर हम अपना काम करेंगे। आइए। नमस्कार ढोलकपुर वासियों,
क्या आप सब हो जिंदगी से दुखी? क्या आप बनना चाहते हो सुखी, करना चाहते हो अपनी इच्छा पूरी? जैसे जल्दी से बड़ा होना, या अपने दोस्तों के साथ जितना चाहे वक्त बिताना, या खिलाड़ी जैसे चुस्त हो जाना? तो पधारिए मेरे खुशियों के महल में सिर्फ एक सोने का सिक्का देकर। चलो। महल को नहीं जानते। जेल में तुम्हारे लिए महल तो नहीं होगा, पर पालना जरूर लगा देंगे। Never backs down. It's Kakalia.